सो हे गाइस, दिस डम्पस्टर एंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एंड टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगी आज की वीडियो स्टोरी लाइन वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं बैटल फील्ड 3 की स्टोरी बताऊंगा। एंड बैटल फील्ड 6 की अनाउंसमेंट सुनने के बाद मैं उतना तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगा बैटल फील्ड 6 में कोई सिंगल प्लेयर कैंपेन होगा, बट नहीं है। तो इसी के साथ जानते हैं बैटल फील्ड फ्रेंचाइज की सबसे बेस्ट गेम की स्टोरी विद अ शॉर्ट इंट्रो। तो गेम की टाइमलाइन शुरू होती है ईयर 2014 से, एंड यहाँ पे CIA ब्लैकबर्न, जो कि एक सोल्जर है, उससे पूछताछ कर रही होती है, और वो ब्लैकबर्न से उसके पूरे मिशन की स्टोरी बताने को कहती है, एंड बदले में CIA ब्लैकबर्न को आज़ाद कर देगी। ब्लैकबर्न अपनी पूरी स्टोरी सुनाना शुरू करता है, एंड वहाँ पे वो बताते हैं कि उससे कुछ टीममेट्स और वो इराक पे जाते हैं, बिकॉज US और ईरान के बीच में वॉर शुरू होने वाली है, एंड ईरान के कुछ सोल्जर्स ने इराक पे कब्जा कर रखा होता है, और यहीं पे US की मिसफिट 13 यूनिट जो इराक में डिप्लॉय की गई है उन्हें कैप्टन कमांडर को लीड कर रहा होता है। एंड इस टीम में और भी सोल्जर्स होते हैं, जैसे सार्जेंट ब्लैकबर्न, डेविड मेटकोविक, डेविड मोंटास, स्टीव कैम्पो और शेफिन। इन सबको टास्क मिला होता है कि कुर्दिश मार्केट में गई US आर्मी कुछ मेंबर्स जो कि IED बॉम्ब की रिसर्च में गए थे उन्हें ढूंढ के लाना, और यहीं पे PLR नाम की एक फिक्शनल ईरानियन टेररिस्ट ग्रुप शेफिन को स्नाइप कर इंजर कर देते हैं, और PLR मिसफिट टीम पे हमला कर देते हैं। बट यहीं पे जो US मरीन कुर्दिश मार्केट में गायब हो गई थी वो मिसफिट 13 को असिस्ट करते हैं, और उसके बाद मिसफिट टीम उस स्नाइपर के अड्डे को उड़ा देते हैं जिन्होंने शेफिन को इंजर किया था। और यहाँ पे सब वापस आ रहे होते हैं कि एक अर्थक्वेक आ जाता है जो कि पूरी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करके नीचे गिरा देता है, एंड US आर्मी भी इसके नीचे दब जाती है। और अब सार्जेंट ब्लैकबर्न उस डिस्ट्रक्शन को सरवाइव कर अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलता है, और यहीं पे पता चलता है कि ये अर्थक्वेक का डैमेज ईरान पे भी पड़ा है, और इसी बात का फ़ायदा उठा के PLR का कमांडर फारूक अल बशीर ईरान में तख्ता पलट कर देता है, और ईरान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप का राज चला देता है। और यहीं पे US ईरान ने अपने सारे ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देती है, जो कि फारूक अल बशीर को कंट्रोल से हटाना चाहती है, एंड करीब 50,000 से ज़्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय कर US वहाँ पे वॉर चालू कर देती है। और करीब 8 महीने बाद US मरीन US नेवी का यूज़ कर उसमें रखे बोइंग FA/18EA सुपर हॉर्नेट जेट का यूज़ करती है, और ईरान के एयरफोर्स से लड़ती है, और बाद में उनके ए स्टेशन और बाकी मिलिट्री वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर स्काई वॉर में विक्ट्री हासिल करती है। और वहीं ईरान में मिसफिट और बाकी US मरीन सोल्जर्स PLR और ईरानियन ट्रूप्स को डिफीट कर रहे होते हैं कि टीम मिसफिट को फारूक अल बशीर को अरेस्ट करने का ऑर्डर मिल जाता है, और टीम को पता लगता है कि अल बशीर एक बैंक के वॉल्ट में छिपा है, बट वहाँ जाके उन्हें एक रशियन न्यूक मिलता है, और वहाँ पे 3 न्यूक की जगह थी बट था एक ही, यानी 2 न्यूक गायब है। रशियन पोर्टेबल न्यूक्स, there's only one there. Wait, there's room for two more. Where the hell are the other two? और वहाँ पे वो CCTV कैमरा में एक सोलोमोन नाम के बंदे को भी देखते हैं जो कि रशियन है, एंड इसी बंदे को ब्लैकबर्न ने तब देखा था जब वो अधमरी हालत में था, एंड तभी टीम मिसफिट US आर्मी से हेल्प मांगती है, एंड यहीं पे सार्जेंट जोनाथन मिलर अपने मिलिट्री टैंक को बैटलफील्ड से यहाँ तक ला पहुँचते हैं, बट यहीं पे मिलर का टैंक का इंजन फेल हो जाता है, बट मिलर खुद को कुर्बान कर बाकी US मरीन को एयरलिफ्ट करा देता है और PLR द्वारा पकड़ा जाता है। PLR का कमांडर फारूक अल बशीर मिलर के गला काटने वाली वीडियो को इंटरनेट पर डाल US को पीछे हटने को बोलता है, बट यहीं पे US आर्मी और गवर्नमेंट गुस्से से पागल हो जाती है, और कुछ दिनों बाद टीम मिसफिट फारूक अल बशीर को ट्रैक कर बिना चुके पकड़ लेती है, और अब अल बशीर अधबरी हालत में है। अल बशीर मरने से पहले बताते कि सोलोमोन ने उसे धोखा दिया है, एंड अब उसका मकसद ये कि वो रशिया और US के बीच में वॉर छेड़ दे, और तभी वो 2 न्यूक्स जो कि गायब थे सोलोमोन उन्हें पेरिस और न्यूयॉर्क सिटी में एक्टिवेट कर ब्लास्ट कर देगा। अब अल बशीर मर जाता है, और उसके बाद टीम देखती है कि अल बशीर के मोबाइल पर कैफ्रोक नाम के बंदे की कॉल आ रही होती है,
एंड इस बंदे को पकड़ने के लिए मिस्री टीम अज़रबैजान के बॉर्डर पर जा रही होती है कि वो देखते हैं रशियन सोल्जर्स हेलो जमकर कैफ्रॉक को पकड़ने जा रहे होते हैं। और यहीं पे क्विंटल कोल से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड उसे लगता है कि PLR और रशियंस मिले हुए हैं और वो कैफ्रॉक को रशियन आर्मी से पहले पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। रशियन आर्मी को पीछे खदेड़ते एक रशियन जेट टीम मिस्विट के पीछे लग जाता है और जेट को स्टिंगर से डिस्ट्रॉय करते हैं। मिस्विट के दो सोल्जर्स मैटकोविक और कैंपो शहीद हो जाते हैं एंड अब मॉन्टेस कैप्टन कोल का ऑर्डर सुनने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि मैटकोविक और कैंपो की डेथ कैप्टन कोल की गलत डिसीजन की वजह से हुई है। और अब रशियन GIU जो कि हाईली ट्रेन रशियन आर्मी से बिलोंग करते हैं वो कैफ्रॉक के विला पे हिलो जम कर लेते हैं और यहीं पे वो देखते हैं कि कैफ्रॉक अपने हेलीकॉप्टर में बैठ भाग रहा होता है बट रशियन GIU उसे पकड़ उसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसे वहीं पे मार देते हैं। और यहीं पे ब्लैकबर्न और कैप्टन कोल्ड कैफ्रॉक के विला में डिफरेंट गेट से एंट्री लेते हैं और यहीं पे ब्लैकबर्न को कैफ्रॉक मरा हुआ मिलता है एंड फिर उसे डीमा जो कि रशियन GIU टीम का एक सोल्जर है वो ब्लैकबर्न से हेल्प मांगता है और कहते हैं कि वही दोनों रशिया और US के बीच में होने वाली वॉर को रोक सकते हैं। दिस कैन नॉट हैपन, वी कैन अवर्ट वॉर बिटवीन आवर नेशंस, जस्ट टू ऑफ अस, नो पॉलिटिशियंस, नो मनी चेंजिंग हैंड्स, just two soldiers speaking the truth. Help me to do this. That's it, I have to leave now. You don't shoot him, millions will die. ब्लैकबर्न डीमा पे ट्रस्ट करते हैं कैप्टन कोल को शूट कर देता है। और अब इन्वेस्टिगेशन वाला सीन कंटिन्यू होता है जहाँ पे CIA ब्लैकबर्न और डेविड मोंटेस से उनके मिशन के बारे में बात कर रही होती है और यहीं पे रशियन GIU पेरिस में न्यूक को ट्रैक करते अपने एक सोल्जर्स व्लैडिमीर को खो देती है। और उसके बाद एक ट्रेन स्टेशन पे जा रिसर्च कर उन्हें पता लगता है कि PLR ने उन्हें फंसाया है और न्यूक कहीं और ही है। और जब तक वो ये बात समझते तब तक पेरिस में न्यूक ट्रिगर हो जाता है और करीब 80,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। Пустышка, не ядерное оружие, бля. Топор лишь где факел. ग्रिल जो कि रशियन GIU का ही एक मेंबर है और डिमा दोनों इस न्यूक से उसी टाइम तो नहीं मरते बट हाँ न्यूक के रेडिएशन के शिकार जरूर हो जाते हैं। इसके बाद भी ब्लैकबर्न और डेविड मोंटेस को CIA अपनी कस्टडी में ही रखती है और क्योंकि उन्हें भी ब्लैकबर्न की बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है और उनकी नज़र में भी रशियन उनकी एनिमी है और ब्लैकबर्न और डेविड मोंटेस CIA को ट्रैक कर उनकी बात सुन वहाँ से भाग जाते हैं। और उन्हें CIA से पता चलता है कि सोलोमोन इस न्यूक को ट्रेन से लेके कहीं जा रहा है। ब्लैकबर्न और डेविड मोंटेस इस ट्रेन को फॉलो कर सोलोमोन पर अटैक कर देते हैं और ट्रेन काफ़ी हैवीली डैमेज हो जाती है। और यहीं पे ब्लैकबर्न को पता लगता है कि सोलोमोन PLR के साथ यहाँ से भाग रहा है और यहीं पर एक तगड़ी कार चेस चलती है बट आखिरी में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर उन दोनों की कार क्रैश हो जाती है। सोलोमोन डेविड मोंटेस को शूट कर मार देता है और वो ब्लैकबर्न को मार ही रहे होते कि उसे गन की सारे बुलेट्स ख़त्म हो जाती है और यहीं पर ब्लैकबर्न मौके का फ़ायदा उठा सोलोमोन को वहाँ पर रखी ईंट से मार देता है। और उसे मारने के बाद न्यूक को सेव देखते हुए चैन की सांस लेता है। और यहीं पे गेम की एंडिंग में डीमा जो कि न्यूक की रेडिएशन का शिकार हो रखा है और यहीं पे वो इस स्टोरी को लिखते अपने पास रखी गन को रिलोड करता है और यहीं पे पता चलता है कि रशियन भी डीमा को मारने आ रही होती है क्योंकि उसने US आर्मी को असिस्ट किया। एंड यस दिस इज सस्पेंस एंडिंग कि डीमा अपनी गन को सुसाइड करने के लिए यूज़ करेगा या फिर डिफेंड के लिए यूज़ करेगा पर ये बात आपको बैटलफील्ड 4 में पता चलेगी सो वेट फॉर इट। तो गाइस दिस वाज द स्टोरी ऑफ बैटलफील्ड 3 एंड मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको इस गेम की स्टोरी इजीली समझा सकूं। तो अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है देन लीव अ लाइक टू अप्रिशिएट माय वर्क एंड अगर स्टोरी में कुछ भी समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेश्चन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यू कैन प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन टू सपोर्ट दिस चैनल एंड अब इसी के साथ मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कीप गेमिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी अप।